लखीमपुर खीरी की शारदा नदी रैनी गांव को निगलती जा रही है। घाघरा ने बाछेपारा गांव को तेजी से काटना शुरू कर दिया है। घाघरा की रफ्तार इतनी तेज है कि यही हाल रहा तो दो दिन बाछेपारा को नक्शे से मिटाने के लिए काफी होंगे। करीब 350 आबादी वाले इस गांव में 90% अनुसूचित जाति के ग्रामीण हैं। हफ्ते भर पहले तक यहां घाघरा शांत थी, लेकिन 4 दिन पहले जो नदी ने रुख बदला तो गांव में हाहाकार मच गया। देखते ही देखते कई एकड़ खेती की जमीन को फसलों समेत नदी निकल गई। कटान इतना तेज है कि हर 15 मिनट में भूगोल बदल रहा है। जो जगह अभी नदी से 100 मीटर दूर दिखती है, आधे घंटे में वही नदी के 100 मीटर भीतर होती है। घबराए ग्रामीणों ने अपने छप्पर के घरों को उजाड़ना और पलायन करना 4 दिन पहले ही शुरू कर दिया था। पक्के घरों को भी दिन रात तोड़ा जा रहा है। ग्रामीण जितना बच सके बचकर भाग रहे हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लखीमपुर खीरी से देवेश पांडे की रिपोर्ट। देखिए, वर्तमान में शारदा, घाघरा, मोहाना, कौड़ियाला जितनी भी हमारी नदियां हैं मेन में, सबके वाटर लेवल इसमें काफ़ी बढ़ा हुआ है। उसका मुख्य कारण है, एक तो नेपाल में काफ़ी बारिश हो रही है, इसके अलावा उत्तराखंड में बारिश हो रही है। नेपाल की बारिश से हमारे घाघरा रिवर का वाटर लेवल बढ़ रहा है, उससे लगी जो नदियाँ हैं, ऐसे ही जो उत्तराखंड में है उससे शारदा नदी का वाटर लेवल बढ़ा हुआ है। जैसा ऊपर से एस्टिमेशंस आए हैं कि अभी आगे आने वाले दिनों में वाटर लेवल घटेगा। फिलहाल हमारे लगभग 300 गांव आज की डेट में प्रभावित हैं, जिसमें 20 गांव ऐसे हैं जो मैरून हो चुके हैं। लेकिन जो मैरून गांव हैं वहां के लोगों के लिए राशन किट और अन्य जो मेडिकल सुविधाएं हैं, उनके पशुओं के चिकित्सा आदि की व्यवस्था पूरी तरह से किया जा रहा है। जो हमारी बाढ़ चौकियाँ हैं पूरी तरह से एक्टिवेट हैं और हमारे अधिकारी निरंतर भ्रमणशील हैं। जहाँ कहीं कटान की स्थिति आती है नदियों के, वहाँ पे हमारी जो बाढ़ खंड की टीम है वो लगातार दिन रात काम कर रही है और अभी तक कटान के कारण कोई नुकसान की, नदियों कटान के कारण कोई नुकसान की विशेष घटना जनपद में नहीं हुई है। लेकिन अभी हम लोगों को और अलर्ट रहने की ज़रूरत है।